सेंट ऑगस्टीन की स्थापना 8 सितंबर 1565 को फ्लोरिडा के पहले गवर्नर स्पेनिश एडमिरल पेड्रो मेनेंडेज डी एविल्स द्वारा की गई थी। उन्होंने इस बस्ती का नाम सैन एक्सटिन रखा क्योंकि स्पेन से आए प्रवासियों, सैनिकों और आपूर्ति वाले उनके जहाजों ने 11 दिन पहले 28 अगस्त को सेंट ऑगस्टीन के पर्व के दिन पहली बार फ्लोरिडा में जमीन देखी थी। ये शहर 200 से अधिक वर्षों तक स्पेनिश फ्लोरिडा की राजधानी के रूप में कार्य करता रहा। 1763 में जब कॉलोनी की स्थापना हुई थी तब इसे ब्रिटिश ईस्ट फ्लोरिडा की राजधानी के रूप में नामित किया गया था। 1783 में ग्रेट ब्रिटेन ने फ्लोरिडा को स्पेन को लौटा दिया।